नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। पूर्व सांसद गेव आवारी ने सोमवार को सीताबर्डी एक्सचेंज से खापरी तक नागपुर मेट्रो में सवारी का आनंद लिया। वे नागपुर मेट्रो की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा, मैंने दुनिया भर के कई महानगरों में मेट्रो से यात्रा की है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नागपुर मेट्रो सबसे अच्छी है। नागपुर वासियों के लिए मेट्रो गर्व की बात है। हम इससे यात्रा करते समय ईंधन और पैसा बचा सकते हैं। आवारी न्यू एयरपोर्ट स्टेशन पर उतरे और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वे स्टेशन की सुंदरता और वास्तुकला से चकित हुए। पूर्व सांसद नागपुर मेट्रो के स्टेशनों की इमारतों की वास्तुकला से भी प्रभावित हुए। महामेट्रो ने स्टेशनों का निर्माण करते हुए शहर की विरासत के संरक्षण का सराहनीय काम किया है। स्टेशनों पर लगाए गए शहर की विरासत की तस्वीरें और पेंटिंग नई पीढ़ी को इसके बारे में जानने में सक्षम बनाएगी, ऐसा आवारी ने कहा। पूर्व सांसद ने कहा कि नागपुर को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की सतत जरूरत है। अब इसे विश्व स्तर का एक साधन मिल गया है। मुझे ट्रेन और स्टेशनों पर गंदगी का एक कण भी नहीं मिला, जो काबिले तारीफ है। बेलीशॉप मोतीबाग रेलवे कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में दीपावली उत्सव के चौथे दिन दक्षिण भारतीय तेलुगु समाज नागुला चौथी उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव के दौरान नाग देवता की पूजा की जाती है, साथ ही पटाखे भी जलाए जाते हैं। सुबह से ही दक्षिण प्रतिया तेलुगु समाज के परिवार का मंदिर के परिसर में बने नागदेवता के बिल के पास पूजा के लिए तांता लगा हुआ है। उत्सव बेलीशॉप मोतीबाग रेलवे कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। कार्तिक सोमवार व नागल चौथी एक साथ होने से व नागदेवता का स्थान शिव मंदिर परिसर में होने से श्रद्धालुओं में अधिक उत्साह देखा गया। आयोजन के सफलतार्थ प्रकाश राव गुंडूराव, पी सत्याराव, डॉक्टर प्रवीण डबली, रामकृष्ण पटनायक, भास्कर राव सहित मंदिर के सभी सदस्य प्रयासरत है। नहाए खाए के बाद आज खरना है। खरना में दिन भर के उपवास के बाद छठ मैया की पूजा कर शाम को रोटी और खीर खाई जाती है। बुधवार को शाम को अस्ताचल भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विदर्भ अध्यक्ष डीबी सिंह और जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला एवं छठ पूजा समिति पूर्व नागपुर संयोजक एमएम शर्मा ने कहा कि छठ प्रतिया मिट्टी का श्री खोता बनाकर अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं। छठ महापर्व आस्था और अटूट श्रद्धा का पर्व है। कोई कहता है कि नई फसल आने पर छठ मैया व भगवान सूर्य की पूजा के महापर्व मनाया जाता है। लोगों पर विश्वास है कि बांझन को पुत्र, निर्धन को धन, अपंग को सुकाया प्राप्त होती है। सच्चे दिल से पूजा करने से छठ मैया व भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और छठ व्रतियों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। छठ पूजा समिति पूर्व नागपुर संयोजक एमएम शर्मा ने बताया कि जबलपुर हाईवे कनान नदी पुल के नीचे छठ व्रतियों को पूजा सामग्री का वितरण किया जाएगा। प्रसाद के रूप में केला और सेब, दूध, चाय और कॉफी की भी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर छठ पूजा समिति पूर्व नागपुर अध्यक्ष मंडल मेहता, विपिन गुप्ता, शंकर दयाल शुक्ला आदि उपस्थित थे। रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी त्यौहार के मद्देनजर यात्रियों की बेहतर सुविधा व अधिकाधिक कन्फर्म बर्थ उपलब्ध करने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कोल्हापुर गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त संयुक्त AC 2 टायर AC 3 टायर कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गाड़ी संख्या 01039-01040 कोल्हापुर गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त संयुक्त AC 2 टायर AC 3 टायर कोच की सुविधा कोल्हापुर से 11 से 20 नवंबर 2021 तक एवं गोंदिया से 13 से 22 नवंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे। अब्दुल मजीद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी लोनारा ने सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ फार्मेसी कॉलेजों के सभी सफलतापूर्वक पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए कैंपस ड्राइव का आयोजन किया था। एक गतिशील और चुनौतीपूर्ण कोविड परिदृश्य में फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए समर्थन प्रणाली के रूप में देखा जाता है। म्योर मेमोरियल अस्पताल नागपुर से डॉक्टरों और फार्मासिस्ट की टीम आई थी। साक्षात्कार पैनलिस्ट में डॉक्टर विलास शेंडे, संजय मूले और डिसूजा शामिल थे। सभी छात्रों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी। विभिन्न फार्मुलेशन, ड्रग इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछकर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया। पैनल को संस्था के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस अहमद ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन तुषार मेश्राम, राहिला अंजुम और रूबीना शेख ने किया।
एएन सिन्हा, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के निर्देशन एवं पंकज चुग, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल एवं एसडी देशपांडे, सहायक सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल नागपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर के मार्गदर्शन में नागपुर मंडल द्वारा 8 से 9 नवंबर 2021 को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑल इंडिया आरपीएफ फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि आईपीएस सीआईडी ब्रांच की राजलक्ष्मी शिवनकर द्वारा 8 नवंबर को ऑफिसर्स रेल क्लब दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर की उपस्थिति में उनके द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उक्त प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष से विभिन्न क्षेत्रीय रेलों एवं रेलवे सुरक्षा विशेष बल बटालियनों से कुल 29 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। उक्त प्रतियोगिता का समापन आज शाम 5 बजे रेलवे सुरक्षा बल रिजर्व ग्राउंड मोतीबाग नागपुर में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। शिव का दूसरा स्वरूप ही विश्वास है, यह उद्गार विद्यापीठाधीश्वर बालयोगी अंतर्राष्ट्रीय संत संजय महाराज ने व्यक्त किए। अखिल विश्व सरयूपारिन ब्राह्मण महासभा की ओर से अमृत भवन उत्तर अंबाजरी मार्ग में आयोजित श्री रामकथा के द्वितीय दिन का पुष्प पिरोते हुए संत संजय महाराज ने कहा कि हमारे जीवन में जितने धार्मिक उपक्रम होते हैं उनका परम लक्ष्य भक्ति प्राप्त करना है, और उस भक्ति की प्राप्ति तब होगी जब हमारे जीवन में विश्वास होगा। विश्वास अर्थात शिव, शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। महाराज ने कहा कि जीवन में संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं से व्यक्ति स्वयं का नाश कर लेता है। श्री सद्गुरु के चरणों में विश्वास ही भक्ति एवं मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। कथा के मुख्य यजमान महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण मिश्र व सावित्री मिश्र, राजेश प्रसाद पांडे व शशिकला पांडे, रविन्द्र कुमार पांडे व अरुणा पांडे है। सोमवार के यजमान ओम प्रकाश मिश्र तथा प्रेम शंकर चौबे थे। रामकथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। 7 नवंबर सुबह से मेयो हॉस्पिटल ब्लड बैंक एवं पीस फॉर ह्यूमैनिटी एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का सफल आयोजन यशोधरा चौक पीली नदी नागपुर में हुआ। इस शिविर में यशोधरा नगर एवं अन्य बस्ती के निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 55 से अधिक यूनिट रक्तदान किया। संस्था पीस फॉर ह्यूमैनिटी एंड मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कबीर ने रक्तदान की अहमियत और इसके महत्व को समझाते हुए बताया कि इसका कोई मोल नहीं होता, मानव जाति के कल्याण के लिए ये दान अति महत्वपूर्ण है। शिविर में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और टीम ने मदद की। शिविर की सफलता के लिए आसिफ नेहाल, मोहम्मद बशीर, प्रकाश वासेकर, हुमेरा यास्मीन, हाजिज दानिश, शफीक भाई, शमशेर भाई, जकरिया भाई, मुदस्सिर भाई, हाफिज शाकिर, अमजद राजिक, शेख असलम, आरिफ भाई, मुफ्ती हबीब, साकिब भाई आदि ने योगदान दिया। समस्त नागपुर के सिंधी समाज का दीपावली मिलन रविवार को रानीकोठी में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे सिंधी समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे। दीपावली स्नेह मिलन के संयोजक देवानी परिवार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम देवानी, राजश्री देवानी और साहिल देवानी थे। गत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते समाज का कोई भी मेल मिलाप नहीं होने से अधिवक्ता श्याम देवानी द्वारा यह संकल्पना साकार कर ऐतिहासिक आयोजन किया। समारोह में सिंधी समाज के भीष्म पितामह और देश विदेश के प्रख्यात अधिवक्ता LS देवानी सपत्निक उपस्थित थे। समारोह में प्रमुखता से VSSS के महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रताप मोटवानी, दादा घनश्यामदास कुकरेजा, विदर्भ सिंधी विकास परिषद के अध्यक्ष डॉ. विंकी रुघवानी, उदय अकादमी के महासचिव प्रताप देवानी, दादा विजय केवल रामानी, हरीश बाखरू, ईश्वर केसवानी, राकेश कृपलानी, डॉक्टर वंदना खुशालानी, गुड्डू केवलरामानी सहित नगरसेवक विक्की कुकरेजा, पूर्व नगरसेवक और नागविदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष सुरेश जग्यासी, पूर्व नगरसेवक वेद प्रकाश आर्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर 20 गोल्ड मेडल अवार्ड से समाज के गौरव साहिल देवानी का सत्कार दादा LS देवानी ने किया। दिवाली मिलन में सिंधी समाज के गणमान्यों में PT दारा, मधु रुगवानी, रीत रूपाणी, डॉक्टर रिचा सुगन, विदर्भ अध्यक्ष कंचन जग्यासी आदि मौजूद थे। ST कर्मचारियों द्वारा राज्य परिवहन महामंडल का राज्य सरकार में विलय किए जाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहब ठाकरे के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रदेश महासचिव महेश जोशी ने समर्थन देने की घोषणा की है। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ST महामंडल के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
एसटी कर्मचारियों के वेतन में लगातार हो रही देरी, 35 से अधिक कर्मचारियों की वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या और निगम के कुप्रबंधन के कारण कर्मचारियों के मन में अविश्वास पैदा होना बहुत गंभीर मुद्दे है। मनसे प्रमुख राज साहब ठाकरे के आदेश के अनुसार इस पत्र के माध्यम से मनसे प्रतिनिधिमंडल द्वारा अनशन स्थल पर जाकर मनसे पदाधिकारियों ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सक्रिय रूप से उसके आंदोलन का समर्थन कर रही है। महेश जोशी ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस आंदोलन अनशन के दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष अरुण तिवारी, जिला सचिव पराग सावजी, उपनगर अध्यक्ष नितिन खानोरकर और एसटी कर्मचारी राम मांडवगड़े और बड़ी संख्या में एसटी कर्मचारी बंधु मौजूद थे। शहर के व्यापारियों ने कोरोना काल में पुलिस व सरकार का बहुत सहयोग किया। शहर में किसी भी प्रकार का क्राइम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अपराधी कोई भी हो। यह विचार शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड के पुरस्कार वितरण और दिवाली मिलन कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने चेंबर के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की सराहना की। एनसीसीएल के अध्यक्ष सीए कैलाश जोगानी ने पुलिस आयुक्त को आश्वस्त किया कि व्यापारियों का पुलिस विभाग को पहले से ही पूरा सहयोग था और आगे भी रहेगा। व्यापारी कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। जोगानी ने पुलिस आयुक्त का ध्यान शहर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे ड्रग्स कंजम्पशन की ओर आकर्षित किया और बड़ी छोटी कंपनियों के डिलीवरी बॉय पर भी नजर रखने के लिए कहा। उन्होंने निवेदन किया कि आयकर जीएसटी या ईडी के सर्वे या सर्च में ड्यूटी पर लगी पुलिस सिर्फ रेड सर्वे टीम की सिक्योरिटी करे, न कि अन्य कोई काम। साथ ही सर्वे या सर्च में व्यापारिक प्रतिष्ठान या निवास पर पुलिस सिविल ड्रेस में आए। पुलिस आयुक्त ने व्यापारियों के साथ बैठकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार के संकल्पनानुसार एवं जनभागीदारी से राज्य भर में सर्वत्र उत्साहवर्धक कार्यक्रमों के आयोजन कर उसकी जानकारी इस हेतु बनाई गई वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इस आशय के निर्देश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने ऑनलाइन बैठक में दिए। भारत की स्वतंत्रता को अगले वर्ष 75 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2022 तक 75 राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रमों की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आभा शुक्ला, सांस्कृतिक मामलों के सचिव सौरभ विजय, उप सचिव विलास थुरात एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में सांस्कृतिक कार्य संचालनालय के संचालक विभीषण चौरे, दर्शनिका विभाग के संचालक डॉ. दिलीप बलसेकर मौजूद थे। नागपुर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे सहित राज्य के सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, मनपा आयुक्त, पुलिस अधीक्षक दूरदृश्य संचार प्रणाली के माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे। कोविड की पृष्ठभूमि पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सोमवार को ब्रेक द चेन के तहत नए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां आने वाले सभी नागरिकों के लिए कोरोना प्रतिबंधात्मक टीके की 2 खुराक अनिवार्य होगी, जबकि कुछ जगहों पर कम से कम 1 खुराक की आवश्यकता होगी। यह आदेश आज से प्रभावी होगा। इस संदर्भ में मनपा की ओर से नागपुर में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम द्वारा सभी जगहों पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थल पर काम करने वाले सभी प्रबंधन और कर्मचारियों और वहां प्रवेश करने वाले नागरिकों को भी कोविड प्रतिबंधात्मक टीके की 2 खुराकें पूरी करना अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार पर टीकाकरण प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। सामाजिक आयोजनों, सभाओं, सम्मेलनों, धार्मिक जुलूसों, त्योहारों में भाग लेने वाले नागरिकों को भी 2 डोज पूरे करने होंगे। सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों तथा समकक्ष संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, 18 वर्ष से ऊपर के सभी आगंतुकों को 2 या कम से कम कोविड वैक्सीन की 1ली खुराक अनिवार्य होगी। एटापल्ली पंचायत समिति से स्थानांतरित किशोर गज्जलवार को हाल ही में पंचायत समिति नागपुर ग्रामीण का गट विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनका शिक्षा विभाग गट साधन केंद्र की ओर से बीईओ राजेश कुमार लोखंडे, ईईओ सर्वश्री रामराम मड़ावी, शरद भंडारकर, प्रेमा दिघोरे ने गुलाब पुष्प देकर स्वागत किया। इस समय किशोर गज्जलवार ने शिक्षा विभाग का कायाकल्प करने के लिए पंचायत समिति स्तर पर विशेष उपक्रम शुरू करने की मंशा व्यक्त की।
पूर्व नागपुर के वाठोड़ा में सिम्बायोसिस कॉलेज के सामने छठ पूजा के लिए कृत्रिम तालाब बनाया जाएगा। इस कृत्रिम तालाब खोदने का भूमि पूजन विधायक कृष्णा खोपड़े के हस्ते किया गया। इस अवसर पर उत्तर भारतीय समाज के सुधीर श्रीवास्तव, वैभव शर्मा, विजय गुप्ता, अशोक शर्मा, श्याम बहादुर, विनोद शर्मा, वकील शर्मा, रंजन माझी, सुमित शर्मा, तिलोकी महंतो, सुरेश शर्मा, डॉली सारस्वत, सुषमा श्रीवास्तव, आनंद सक्सेना, ARK सिंह, अवधेश गुप्ता, शर्मा परिवार के अलावा अनेक उत्तर भारतीय नागरिक उपस्थित थे। आज छठ महापर्व का खरना है। इसमें महिलाएं आज से निर्जला व्रत का शुभारंभ करती है। शाम को रोटी और गुड़ की बनी हुई खीर चढ़ाकर पूजन करती है। कल शाम को डूबते हुए सूर्य का पहला अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रती या मिट्टी का श्री खोवता बनाकर अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं। छठ महापर्व आस्था और अटूट श्रद्धा का पर्व है। कोई कहता है कि नई फसल आने पर छठ मैया व भगवान सूर्य की पूजा कर महापर्व बनाया जाता है। सच्चे दिल से पूजा करने से छठ मैया व भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और छठ व्रतियों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लोग सुखी संपत्ति, पारिवारिक शांति, नौकरी, व्यवसाय व अपने अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की कामना करते हुए पूजा करते हैं। उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सिंह ने बताया कि छठ व्रतियों के लिए निःशुल्क लोहे के बने पूजा घाट लगाए जा रहे हैं। तालाब किनारे के सभी पत्थरों को समुचित ढंग से लगाया गया है ताकि अर्घ्य देने वाली छठ व्रतियों को पानी में खड़े रहने की सुविधा हो। धारस्कर रोड स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर में प्रतिवर्षानुसार अन्नकूट महोत्सव आज आयोजित किया गया है। उत्सव का आरंभ शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक दर्शन तत्पश्चात रसीदानुसार प्रसाद वितरण होगा। श्रद्धालुओं को लाभ लेने का आह्वान किया गया है। यह जानकारी मंदिर ट्रस्ट ने दी है। श्री अग्रसेन मंडल का भव्य दीपावली मिलन समारोह आज श्री अग्रसेन भवन रविनगर में आयोजित किया गया है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से कार्यक्रम आयोजित करने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन महाराजा श्री अग्रसेन के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। इसलिए हम सब अग्रबंधु एक साथ मिलकर माता महालक्ष्मी और कुलपति अग्रसेन की पूजा अर्चना करेंगे। श्री अग्रसेन मंडल ने आज श्री अग्रसेन भवन रविनगर में शाम 7 बजे से 10 बजे तक दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया है। श्री अग्रसेन मंडल की कार्यकारिणी ने दीपावली मिलन समारोह के संयोजक के रूप में मंडल के मंत्री रामानंद अग्रवाल और मंडल उपाध्यक्ष संदीप BJ अग्रवाल और सहसंयोजक के रूप में संजय पचेरीवाला व दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया है। संयोजक रामानंद अग्रवाल व संदीप अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष हम भव्य रूप से दीपावली मिलन समारोह मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नलिखित है। शाम 7 बजे माता महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना और 56 भोग दर्शन। शाम 7:30 बजे महाआरती। शाम 7:45 बजे भवन प्रांगण में आतिशबाजी। रात 8 बजे से सुगम संगीत और प्रसाद भोज। पूरे भवन परिसर को दीयों से सजाया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक 26.31 लाख से अधिक नागरिकों का टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुल मिलाकर 16,87,000 नागरिकों ने टीके का पहला डोज लिया है। इनमें 49,600 स्वास्थ्य सेवक, 57 फ्रंटलाइन वर्कर, 45 वर्ष से अधिक आयु के 3,11,000 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 1,02,000 कोमार्बिड नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के 2,50,000 वरिष्ठ नागरिकों का समावेश है। वहीं कुल मिलाकर 9,43,000 नागरिकों ने टीके का दूसरा डोज लिया है। इनमें 30,000 स्वास्थ्य सेवक, 39,000 फ्रंटलाइन वर्कर, 45 वर्ष से अधिक आयु के 2,58,000 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 41,000 कोमार्बिड नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,80,000 वरिष्ठ नागरिकों का समावेश है। अब तक कुल मिलाकर 26,31,000 नागरिकों का टीकाकरण हुआ है। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर भी होगा। टीकाकरण शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, मनपा स्त्री अस्पताल पाँचपावली और प्रगति हॉल दिगोरी में उपलब्ध है।
तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।